योर नेक्स्ट टॉपिक इज द लिंकेज मैप्स और क्रोमोसोम मैप्स लिंकेज मैप्स और क्रोमोसोम मैप्स इसमें जो है फर्स्ट टॉपिक अ लिंकेज मैप और क्रोमोसोम मैप्स इज अ लीनियर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस एंड रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ द वेरियस जीन्स प्रेजेंट इन अ क्रोमोसोम लिंकेज मैप्स जो हैं वो हमें ये बताते हैं कि किसी क्रोमोसोम में जीन्स का जो है वो अरेंजमेंट कैसा है उनका सीक्वेंस कैसा है वो लीनियर अरेंजमेंट में है या नहीं है द फर्स्ट क्रोमोसोम मैप जो था वो सबसे पहले स्ट्रीट ने 1911 में जो था वो किया था वो किया दो क्रोमोसोम्स के लिए और 1913 में चार क्रोमोसोम्स के लिए ड्रोसोफिला के आप सब जानते हैं कि ड्रोसोफिला के फोर क्रोमोसोम्स होते हैं ठीक है तो फोर क्रोमोसोम्स के लिए उन्होंने मैप बनाया था 1913 में देन उसके बाद है व्हाट इज़ मैप मैप यूनिट यूनिट कहते हैं जैसे कि दो लिंक्ड जीन्स के बीच में जो वन परसेंट क्रॉसिंग ओवर होती है उसको जो है मैप यूनिट में जो है वो यूनिट्स यूज किए जाते हैं जैसे सेंटी मॉर्गन डेसी मॉर्गन ये यूनिट्स हैं लिंकेज मैप्स के तो अगर जो दो लिंक्ड जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो हम बोलेंगे वन परसेंट क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू लिंक्ड जीन्स इज कॉल्ड सेंटी मॉर्गन सेंटी मॉर्गन किसको बोलते हैं अगर दो लिंक्ड जीन्स में जो है वो वन परसेंट क्रॉसिंग ओवर होता है तो उसको सेंटी मॉर्गन कहते हैं क्या कहते हैं सेंटी मॉर्गन कहते हैं उसके बाद हंड्रेड परसेंट क्रॉसिंग ओवर अगर शो करनी है तो हंड्रेड परसेंट क्रॉसिंग ओवर को आप डेसी मॉर्गन यूनिट से शो कर सकते हैं किसने डेसी मॉर्गन से देन टी एच मॉर्गन साइंटिस्ट थे जो कि

ये याद रखना आपने स्मॉल बी फॉर ब्लैक बॉय स्मॉल बी फॉर ब्लैक बॉय सी एन है आगे है vestigial wing. अगले पेज पे देखिए एक यूनिट बनाया हुआ है मैप यूनिट इसमें आप देखोगे कि अलग अलग जो है वो यूनिट्स दिए गए हैं जैसे बी है यहाँ पे अगर बी है बी का मतलब क्या है यहाँ पे ब्लैक बॉडी है इसमें बी का मतलब क्या है ब्लैक बॉडी सी एन का मतलब क्या है सीने आई वीजी का मतलब क्या है वेस्टिजियल विंग तो इसका मतलब कि जो ब्लैक बॉडी है उसका सिनेबार आई के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है नाइन सेंटी मॉर्गन का और सिनेबार आई और वेस्टिजियल विंग के बीच में कितना डिस्टेंस है नाइन सेंटी मॉर्गन का तो पूरा जो अगर देखें हम अगर ब्लैक आई ब्लैक आई और वेस्टिजियल विंग के बीच में पूरा डिस्टेंस देखें तो कितना है एटीन सेंटी मॉर्गन तो ये सारा मैप यूनिट है लिंकेज मैप यूनिट क्रोमोसोम मैप यूनिट अगर पूछे आपको कि लिंकेज मैप और क्रोमोसोम मैप को किन यूनिट्स में आप स्टडी कर सकते हैं तो आंसर है सेंटी मॉर्गन और डेसी मॉर्गन अगर पूछे कोई एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कौन थे तो टी एच मॉर्गन थे ठीक है अगर पूछे कि लिंकेज क्या होती है तो बोलना कि क्रोमोसोम के बीच में जो रिलेटिव डिस्टेंस बताए वेरियस जीन्स का उसको लिंकेज मैप बोलते हैं इम्पॉर्टेंस क्या होती है मैप की वो देखिए नोट्स में बताया गया है इम्पॉर्टेंस के बारे में दीज मैप्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ डिफरेंट जीन ऑन वेरियस क्रोमोसोम्स ये मैप्स जो हैं वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अलग अलग जीन्स की जो कि क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं दिस गिव्स द सीक्वेंस ऑफ जीन ऑन अ पार्टिकुलर क्रोमोसोम पार्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर जो सीक्वेंस होता है जीन्स का उसके बारे में बताते हैं ये मैप जो है वो इंडिकेट करता है कि लिंक टू जीन्स के बीच में जो लिंकेज है उसकी स्ट्रेंथ कैसी है दो जीन्स के बीच में लिंकेज की स्ट्रेंथ कैसी है ये मैप ये बताता है

ग्राफिक रिकॉर्ड बनाना है ट्रेड्स का रिकॉर्ड्स पर गिवन इन द फॉर्म ऑफ फैमिली ट्री रिकॉर्ड जो है वो किस वो किस फॉर्म में बनाना है फैमिली ट्री में बनाना है ठीक है जैसे मेल के लिए अगर मेल है अगर हम किसी की जो है वो फैमिली के बारे में स्टडी करते हैं ठीक है सबसे पहले जो है वो मेल्स के लिए साइन दिए गए हैं डिग्री एनालिसिस में हम साइन के थ्रू जो है ग्रैफ, बनाते हैं, ठीक है जैसे कि मेल है तो स्क्योर आप यूज करेंगे फीमेल हैं तो फिरकल यूज करेंगे सेक्स अनस्पेसिफाइड हैं तो इस तरह का साइन यूज करेंगे आप ठीक है देन अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं तो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स के लिए जो है वो आप इसमें जो है वो इसको भर दोगे कलर कर दोगे इसमें अफेक्टेड इंडिविजुअल अगर इसमें वो मेल में भरा है तो मेल अफेक्टेड इंडिविजुअल फीमेल में भरा है तो फीमेल अफेक्टेड इंडिविजुअल ठीक है अगर आपने जो है वो नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट मेल और फीमेल है ये ठीक है मेल और फीमेल में मीटिंग होती है अगर रिलेटिव्स में रिलेटिव्स में होती है तो टू लाइंस आप ऐसे ड्रॉ कर दोगे इसमें ठीक है ये इस तरह से दो लाइन बना दोगे मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स अपने नोट्स खोल के स्टडी करते रहे साथ साथ में पेरेंट विद अ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज पेरेंट विद ये यहाँ पे मेल है दूसरा फीमेल इनमें आपस में फर्टिलाइजेशन हुई टी साइन से कन, आपने शो किया इसको आगे जो है वो यहाँ पे फीमेल पैदा हुई फीमेल जो है वो अफेक्टेड है फीमेल जो है वो अफेक्टेड है कैसे अगर इसमें कलर कर देते हैं तो एक ट्री तो ये बन गया फैमिली रिकॉर्ड ये बन गया यहाँ पे आपको जो दिख रहा है इस ट्री में क्या बताया गया है कि एक यहाँ पे जो है वो मेल है एक फीमेल है दोनों में जो है वो रिप्रोडक्शन होती है फर्टिलाइजेशन होती है अगली प्रोजानी जो बनती है वो अफेक्टेड बनती है ठीक है अफेक्टेड बनती है अगर यहाँ पे जो है वो इस तरह से जो है वो सिक्योर होता ठीक है तो क्या था कि यहाँ पे मेल चाइल्ड अफेक्टेड आना था ठीक है तो इस तरह से पी जो है वो चार्ट्स बनते हैं ठीक है फाइव अनफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग्स ठीक अब इस तरह से आपने एनालिसिस करना है सारा इसका ठीक है तो ये सारे साइंस हैं जिनके थ्रू आप डिजीजेस को स्टडी करते हैं तो एक बात मैं बताऊँ आपको कि नॉर्मली uh, क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं तो पेरेंट्स के ट्रेट कई बार बच्चे में जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं ठीक है तो इट मीन्स कि वो कौन सा ट्रेट हुआ रिसेसिव ट्रेट हुआ अ ट्रेट विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द पेरेंट्स बट अपीयर्स इन द चिल्ड्रन इज रिसेसिव ट्रेट कई बार एक ऐसा ट्रेट भी होता है जो पेरेंट्स में ना हो पर फिर भी जो है वो बच्चों में देखने के लिए मिले ठीक है तो उसको क्या बोलेंगे रिसेसिव ट्रेट बोलेंगे या फिर पेरेंट्स के ट्रेट जो हैं ठीक है ठीके? अगली से अगली जनरेशन में देखने को मिले तो इसका मतलब कि उसके बच्चे में वो रिसेसिव है अ रिसेसिव फिनोटाइप इज फॉर्म्ड व्हेन टू रिसेसिव एलील्स कम टुगेदर एक रिसेसिव फिनोटाइप तब बनता है जब दो रिसेसिव एलील्स जो हैं वो इकट्ठे ही अगली जनरेशन में चले जाते हैं ठीक है इसी तरह से जो है वो ये क्रॉसेस बनाए गए हैं ये क्रॉसेस आपने देख लेने हैं पी एनालिसिस के समझ लेने हैं कि Uh, इतना ये इम्पॉर्टेंट तो है नहीं ये प्रैक्टिकल का है पर फिर भी डेफिनेशन जो है वो पूछी जाती है ठीक है इसमें ये क्रोसेस है दूसरा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट का है तो ये जो है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट इन द मेल जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होता है वो अपना एक्सप्रेशन जो है वो मेल में शो करता है फीमेल जो है वो जनरली कैरियर होती है इसमें इसमें कोई भी ट्रांसफर नहीं होता है रिसेसिव सेक्स लिंक्ड अलील का